नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और मैं आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेकर, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ दोनों मौसी के घर, और बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर मौसी के घर जाना है तो नानी बहुत सारा सामान हम लोग को दे दिया है, तो देख सकते हैं आप, ये पूरा बैग बहुत भारी बैग है। फिर इधर ये सब में बहुत ज़्यादा सामान ढेर सारा रख दिया है, और हम सब लेके जाएंगे। हम जा रहे हैं और शिवम जी जा रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे शिवम जी? हाय हाँ, तो अभी मम्मी का आशीर्वाद लेके हम जा रहे हैं। आशीर्वाद तो हाँ, तो मम्मी का आशीर्वाद ले लिए हैं। अब यात्रा होगा बहुत अच्छा, सुखद यात्रा होगा, तो आपसे मिलते हैं रास्ते में। दोस्तों हम लोग पहुँच गए रास्ते में, और मैं हमको छोड़ने जा रहे हैं कल्लू डॉन, और शिवम के साथ जा रहे हैं, तो आपसे मिलते डायरेक्ट अब ऑटो पे। तो भाई लोग, यहाँ हम ऑटो पे बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं आगे के सफर पे। तो ऑटो से उतर के हम लोग जा रहे हैं उत्तरी गली, जहाँ पर हमारे बड़ी मौसी का घर है। तो हम लोग पहले बड़ी मौसी से मिलेंगे, और उसके बाद हम लोग छोटी मौसी के घर निकल जाएंगे। फिर आते टाइम वापस आएंगे तो फिर से एक बार बड़ी मौसी से मिल लेंगे। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर में। नमस्कार, हम प्रणाम मौसी। तो हम दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं मौसी के घर पर, और मिलाते हैं मौसी से। और जी आई प्रणाम दीजिए, प्रणाम दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, और पहुँचते के साथ प्रणाम पाती हो गया। कल्लू तो अभी घर पे है, मिलिए मेरी मौसी से। बोलिए सब्सक्राइब करना, बोलिए सब्सक्राइब करना, बोलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को। बताइए आपका क्या हाल है? बढ़िया है। हाँ तो जीजा जी का भी हाल बढ़िया है, हमारे बाल मतलब बाल नहीं बाल और हाल भी अच्छा है। आपका हाल क्या बताइए? हाल मेरा भी अच्छा है। हाँ, तो सबका हाल यहाँ पे अच्छा है। तो फिर से दोबारा इनके पास आना है, आएंगे? ठीक है, आइए। ठीक है, यहाँ हम दोनों मौसी से मिलकर निकल गए हैं फिर से रोड पर, और हम लोग अब जा रहे हैं दूसरा ऑटो पकड़ने, जो हमको पुल पर छोड़ेगा, और पुल से हम लोग पकड़ेंगे हाजीपुर का ऑटो, और हाजीपुर से जाएंगे चकौसन। तो दिखाते हैं आपको रास्ते में। तो भाई लोग, यहाँ पे हम पुल पे चढ़ जाते हैं, और पुल पे ऑटो पकड़ के हम लोग निकल जाते हैं हाजीपुर, और हाजीपुर पहुँचते हैं, फिर आते हैं नीचे, और फिर चकौसन को ऑटो पकड़ के हम लोग चकौसन की तरफ निकल जाते हैं, और वहाँ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग को मनियारपुर जाना रहता है। तो मनियारपुर जाने के लिए हम एक हवा हवाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हवा हवाई में बैठ गए और जा रहे हैं मनियारपुर, और वहाँ पर आम का बगीचा में आपको दिखाएंगे आम तोड़। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। पहले तो मौसी से मिलना है, मौसी से मिलना है, बच्चा से भी मिलना है, बहुत दिन से क्योंकि मिले नहीं है। मौसी के घर की गली में एंटर करते हैं, और हमको इतना सारा आम का पेड़ दिखता है कि क्या बताएं। आम का पेड़ देखते देखते हम लोग निकल जाते हैं आगे, और पहुंच जाते हैं अपने लोकेशन पे। तो वहां पे हवावाई से उतरते हैं और अपने मौसी के घर की तरफ जाते हैं। तो भाई लोग, यहां पे हवावाई से उतर के हम लोग पहुँच गए हैं अपने मौसी घर की गली में। तो मौसी के घर जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो जा रहे हैं गली गली, गलत डायरेक्शन में आ गया, इधर से चलो, डायरेक्शन थोड़ा गलत हो गया, दूसरे घर में चले जाते हैं, बट अरे यार इधर से भी गलती हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते होते जा रहे हैं गली में, क्योंकि यहाँ पर सब तरफ पेड़ है, तो सारा जगह एक ही जैसा दिखता है। तो बस हम लोग पहुँचने वाले, या हमको घर मिल गया, तो हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको एक कौवा दिख रहा है, जो पानी पी रहा है आराम से। देखिए, आ जाए कौवा, कौवा 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 हमको देख के डर गया, या कैमरा को देख के डर गया, हमको नहीं पता, बट डर गया। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मौसी के घर, ये है घर इनका, और हम लोग जा रहे हैं घर में आ गए हैं। या कैसे उज्जवल? तो हम लोग पहुंच गए हैं, बच्चा लोग हम लोग को दिख चुका है, मौसी भी दिख गई है। मौसी यहाँ पे छुपी हुई थी अलमारी के पीछे, पहले ना मौसी बैठते हैं। संस्कार बताओ, क्या है हाल? ठीक है। ठीक है, तुम बताओ जी? ठीक है। तो यहाँ पे सबका हाल ठीक है, और मैं सबसे परम मित्र से मिली है नंदनी से, नंदनी नंदू मेरी बंधु, बोलो नंदू। नहीं, शर्मा गई, शर्मा गई नंदू। तो अभी तो थोड़ा सा आराम करेंगे, मिलते हैं आपसे थोड़ा देर बाद। तो यहाँ पे स्वागत हुआ है हमारा आम से, उठाओ शिव मिस्त्री, खाओ खाओ, हम भी खाएंगे। अरे मौसी सिर्फ हंस रही है, लीजिए आप भी खाइए, खाइए, ऑडियंस गुस्सा हो जाएगा, खाइए, एगो एगो एगो। ठीक है, तो मौसी तो नहीं खाएगी, लेकिन हम तो सब सफा चट कर जाएंगे, तो खाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आम, मेरा फेवरेट आम है, बड़ा टेस्टी आम है, क्योंकि ये पेड़ का आम है, ताज़ा ताज़ा टूटा हुआ।
आपको आम का बगीचा में भी आज घुमाएंगे, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। पहले हम जब तक आम खा लेते हैं वीडियो बंद कर देते हैं, नहीं तो आपको लालच आ जाएगा। लालच बुरी वाला है। हम आम खा लिए और हमारे पास है क्रीम फिल्स जो कि नानी दी थी बच्चा सबके लिए, तो बच्चा सबको दे देते हैं। लो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, पता नहीं बच्चा कौन चाहिए। हाँ बोलो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ अब बच्चा बोल रहा था आपको करना पड़ेगा, आप करके एकदम ठोक दीजिए लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन, बस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा लोग बोला है तो करना तो पड़ेगा। एक और है चॉकलेट जो कि स्नैकर्स है, लो नंदू। और एक और है पप्पा बिस्किट, ये है डेंटा पप्पा बिस्किट जो कि संस्कार के लिए, मतलब तीनों मिलकर खाएंगे, बट सबको मिल गया है तीन लोगों को। यहाँ पे बच्चा लोग को तो गिफ्ट मिल गया, अब मौसी के लिए गिफ्ट। हाँ तो लीजिए घी का डब्बा, अचार का डब्बा, निमकी का डब्बा मेरे लिए, हाँ सेब, और लास्ट में जो दनौड़ी होता है जिसको छान के खाया जाता है आपके लिए गिफ्ट। कैसा लग रहा है गिफ्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो यहाँ पे मौसी को गिफ्ट पसंद आया, जबकि हम नहीं दिए नानी दिए, बट थोड़ा सा क्रेडिट लेंगे ना, आए हैं पहुँचाए हैं। तो यहाँ पे मौसी को भी मिल गया, बच्चा सबको भी मिल गया, और हमको तो मेरा गिफ्ट पहले ही मिल गया, आम, मेरा फेवरेट आम। हम सिर्फ आए हैं यहाँ पे आम खाने और बच्चा सबसे मिलना है। क्या कहते हैं संस्कार? तो फिर से शाम होगा, अभी तो पेट भर गया है, शाम होगा फिर से आम खाएंगे, आपको दिखाएंगे, और कल सुबह आम तोड़ने का वीडियो आपको मिलेगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर पेड़ से एक आम गिरा छप्पड़ पे, तो ये उज्जवल जा रहा है लाने, जाओ उज्जवल लेके आ। तो अरे देखिए आम आपको दिख रहा होगा, हम ही इसका हाथ नहीं जा रहा है तो हम ही मतलब कि निकाल के देखते हैं। ये गिर गया आम, कैच कर लिया यहाँ पे उज्जवल, ये लो डंडा। तो ये है एकदम पका हुआ आम, पेड़ से गिरा हुआ आम, तो ये भी आपको दिखाएंगे खाकर। पे हम आम धो लिए हैं और अभी टेस्ट करते हैं, इसका क्वालिटी चेक करते हैं। और ये कस के रख ले, मस्त है ना, एकदम डायरेक्ट पेड़ से गिरा हुआ आम है जो बहुत ज़्यादा मीठा है, एकदम एकदम विदाउट कार्बाइड से पकाया हुआ और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तुम खाओ ना जी, नहीं खाए हो, ये नहीं खाया है बट खाया ना, झूठ के बोलते हो। तो अब उसी आम को नंगा कर दिए पूरे तरीके से, और देख सकते हैं हम येलो येलो आम कितना टेस्टी लग रहा है, खा के देखते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और आम का पेड़ आपको दिखा दो थोड़ा सा, देखिए सब आम 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 ढेर सारा आम। ये उज्जवल यहाँ पे दो आम लेके आया, जिसमें से एक तो लगता है खराब है और एक बड़ा अच्छा पका हुआ आम है, तो इसको भी खा जाएंगे। सब आम खा जाएंगे अब तो। और वहाँ पे नंदनी बैठी हुई है और ये मिष्टी। तो भाई लोग ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है जिसके कारण आप बोर हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये आपको दिख गया, और अब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे कुछ दिन बाद, तो उसमें भी आपको मजा आएगा। और इस वीडियो में आपको जरा सा भी मजा आया तो ये एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और कमेंट में लिख दीजिएगा अगर कोई मिस्टेक हुआ हो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।